दरवाजा खोलो, मैं हूँ पंक्ति। अब क्या चाहिए तुम्हें? चली जाओ यहाँ से। कायरा, देखो मैंने और आहान ने ये फैसला किया है कि हम वही करेंगे जो तुम चाहती हो, लेकिन प्लीज पहले दरवाजा खोलो। ठीक है ना? कितना गुस्सा करती है? तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे ना? का प्रॉमिस, मेरा प्रॉमिस। लेकिन एक बात बताओ कायरा, अगर मैं तुमसे कहूं कि आहान की शादी किसी और से करवा दो तो क्या तुम मानोगी? ऑफ कोर्स नॉट। आहान तो तुमसे कितना प्यार करता है, किसी और से शादी करके तो खुशी नहीं रह पाएगा। तो महान की बहन, इस हिसाब से मेरा भी रिश्ता हुआ तुमसे, तो मैं तुम्हें दुखी कैसे देख सकती हूँ? कायरा, मैं तुम्हारी शादी एक ऐसे इंसान से कैसे करवा दूँ जो तुमसे प्यार ही नहीं करता? भाई हूँ यार तुम्हारा, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है ना तुम्हारी शादी एक ऐसे इंसान से कराऊं जो तुम्हारा ख्याल रखे, जो तुम्हें प्यार करे। मैंने आप सबको हमेशा अपना परिवार समझा। सच तो यह है कि आप लोगों से मिलने के बाद ही मुझे ये पता लगा कि रिश्ते क्या होते हैं। आप लोगों को अपना समझती हूँ, इसीलिए ये कहने की हिम्मत जुटा पा रही हूं कि कायरा को मोंटी जी से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर कायरा की जगह कोई और लड़की होती तो भी मैं यही कहती। अगर पूर्वादी की जगह कोई और लड़की होती तो भी मैं यही कहती, क्योंकि अगर दो लोग खुशी खुशी शादी नहीं कर पा रहे हैं तो वो जिंदगी भर खुश कैसे रहेंगे? कर I'm truly sorry। ये सच इस तरह बाहर आया। लेकिन कायरा, मैं जो कुछ भी कह रही हूं ना, सिर्फ इसीलिए कह रही हूं ताकि तुम खुश रह पाओ। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें ये लगता है कि मैं जो भी कह रही हूं उन बातों की कोई वैल्यू नहीं है, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे लिए, इस परिवार की भलाई के लिए मुझे क्या करना चाहिए। फिर तुम जो कुछ भी कहोगी ना, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। पंक्ति, मैं मोंटी जी से शादी करने की से छोड़ दूंगी, पर मेरी एक कंडीशन।
तुम्हें मेरे भाई से शादी करनी हो जल्द से जल्द। पंडित जी का कहना है कि इस महीने एक ही तारीख शुभ है, 27 अगस्त। तो ठीक है, 27 अगस्त को अहान और पंक्ति की शादी होगी। सही कहा मानव जी। मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकती पंक्ति, जिसे तुम चाहोगी मेरे लिए वही मेरा प्यार होगा। मैं किसी भी कीमत पे अहान पाके ही रहूंगी। वाओ, ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी। वाओ, एक मिनट, यस, या कूल, थैंक यू। अहान, हमने जो सॉन्ग रिकॉर्ड की है वो सबको बहुत पसंद आया, तो हमें कल एक और सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए जाना होगा। बट कली, अरे हाँ, ये तो गुड न्यूज है। देखो पंक्ति का लक, आज ही शादी फिक्स हुई और तुम्हें गाना भी मिल गया। वर्क इज ऑलवेज प्रायोरिटी। ये आहान के लिए फैब अपॉर्चुनिटी है। इस सॉन्ग के जो म्यूजिक डायरेक्टर है शुभेंदु सर, वो सिंगर का करियर बना देते हैं। पापा ठीक कह रहे हैं, पंक्ति ने आहान की लाइफ में ऑफिशियली एंट्री क्या की, सक्सेस भी पीछे पीछे आ गई। एक्चुअली जब से अहान ने रंगोली के साथ डुएट सॉन्ग गाया है ना, उसके कैरियर का ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो गया है। इस बात पर तो आज दुगनी खुशी की मिठाई खानी बनती है। चलिए आप सब। अहान, रंगोली आंटी, आप जाइए, जाके बैठ जाइए। रंगोली का मुंह मैं मीठा करवाती हूँ। वैसे भी रंगोली हमारी जिंदगियों में कितनी खुशियां लेकर आई है ना, उसका मुंह मैं खुद मीठा करवाना चाहती हूँ। ठीक है। लो रंगोली, मुंह मीठा कर लो, क्योंकि एक बार सच बाहर आ जाए तो फिर तो मुंह कड़वा ही होना। गुड लक। सॉरी, गंदा हो गया। कोई बात नहीं रंगोली, तुम जाकर अपनी ड्रेस क्लीन कर लो, मैं तब तक मानव जी और विक्रम को देकर आती हूँ। मैं भी फ्रेश होके आता हूँ, फिर तुम्हें ड्रॉप करने चलता हूँ। वाह पंक्ति, तुमने पता लगा लिया कि मैंने ही मिश्का को कहा था मुझे फोन करे, ताकि प्रिटेंड कर सकूं कि कल हमारी रिकॉर्डिंग है और आहान को तुमसे दूर ले जा सकूं। चले पंक्ति। सो सॉरी, बैड न्यूज़।
रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई। क्या? लेकिन अभी तो मैंने देखा कि क्या देखा? अभी कॉल आया कि हमारी कल की रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई। चल यार, हो सकता है कल इससे भी बेटर ऑफर आए। बट ये स्विच ऑन स्विच ऑफ, इसमें बहुत मजा आएगा। अब बताओ आन को कि मैंने ही रिकॉर्डिंग फिक्स की थी और कैंसिल भी, पर प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? See you tomorrow. मिश्का? Yes, ma'am. कितनी बार कहा है अपना यूज़लेस दिमाग यूज मत करो, तो ट्राई क्यों करती हो? किसने कहा मुझे मैसेज करने के लिए? सॉरी मैम, आज के बाद मैं कभी कुछ भी नहीं करूंगी। तो सैलरी किस बात की लोगी? अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर। ओके मैम। अब बताओ आपको कि मैंने ही रिकॉर्डिंग फिक्स की थी और कैंसिल भी। कोई बात नहीं पंक्ति, एक और गाना मिल जाएगा, टेंशन क्यों ले रही हो? वही तो प्रॉब्लम है, आहार मैंने रंगोली का फोन देखा था, उसमें सिर्फ मिश्का का मैसेज था कि रिकॉर्डिंग फिक्स हो गई है, और कैंसलिंग का उसका तो कोई कॉल ही नहीं था और ना ही कोई मैसेज था। क्या? हाँ हाँ, रंगोली ने तुमसे झूठ कहा था सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि वो तुम्हारा करियर बना भी सकती है और खत्म भी कर सकती है। पर रंगोली ऐसा क्यों करेगी? तुमने उसका फोन क्यों चेक किया? क्योंकि मुझे उस पे शक है आहान, मिश्का का मैसेज था कि रिकॉर्डिंग फिक्स हो गई और एकदम से उसका फोन भी आ गया, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। पंक्ति प्लीज, ये शक वक की गेम अब बंद करो यार, प्लीज। आहान, शक करने का रीजन है पंक्ति। हेलो। हाँ हेलो आहान। जी मैं शुभेंदु बोल रहा हूँ। हाय सर। अरे यार, तुमने तो रंगोली पे क्या जादू कर दिया। मैंने वो कल के रिकॉर्डिंग क्या कैंसिल की, उसे तो मेरे साथ काम करने से ही मना कर दिया। अरे बाबा, कल के रिकॉर्डिंग मैंने फिर से फिक्स कर दी है। तुम रंगोली को लेकर कल स्टूडियो आ जाना। अरे भाई, मेरा फोन नहीं उठा रही है वो। वो कल रिकॉर्डिंग पर नहीं आई तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ओके सर, श्योर। थैंक यू आहान। थैंक यू। एक और फेवर है। अभी भी तुम्हें लग रहा है रंगोली झूठ बोल रही है? हाँ। मतलब शुभेंदु सर भी झूठ बोल रहे हैं? प्लीज पंक्ति, प्लीज शक करना बंद करो। अरे ऐसी नहीं, गुस्सा क्यों हो रही हो? कितना गुस्सा करने लगी हो पंक्ति आजकल। टेबल पे ला के रख दो। हाँ ये भी। गुड मॉर्निंग आंटी। पंक्ति नमस्ते। नीता जी, अब क्या चाहिए आपको? कभी किक मार के घर से बाहर निकाल देते हो, तो कभी आहा आजा करके घर में वापस बुला लेते हो। इंसान नहीं, फुटबॉल हो गए। अनीता जी, अब मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वैसे पंक्ति ने आपको तो बता ही दिया होगा, लेकिन ये बात मुझे आपको खुद बताना मेरा फर्ज बनता है। हम चाहते हैं कि 27 अगस्त को आहान और पंक्ति और मोंटी पुरवा की शादी हो जाए। इसलिए हम आज ही इनका तिलक और लगन करना चाहते हैं। तुम्हारी शादी है, तुम कैसे मैनेज करोगे?
मीन इतनी जल्दी? लेकिन इतनी जल्दी कल रात को ही तो हम कल रात को भूल जाइए ना नीता जी, बस बच्चों को उनके आने वाले नए जीवन के लिए आशीर्वाद दे दीजिए। और वैसे भी अनीता जी, आपके और आपकी बेटियों के कल के बारे में बहुत बातें हो गई। आज से एक ऐसी शुरुआत करते हैं जिससे कल की बीती हुई सारी यादें धुंधली पड़ जाएं। पर आहान इतना टाइट शेड्यूल है, रिकॉर्डिंग, सॉन्ग प्रमोशन, वीडियो शूट, और वो भी सब आउट ऑफ टाउन। पर कमिटमेंट दे चुके हैं रंगोली, मना कैसे कर दे? पर अब मैं हाँ कैसे करूं? लेकिन मैं तो शगुन का कोई सामान भी नहीं ले आई। अनीता जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें सारी रस्में हम इसी घर में करेंगे। 27 अगस्त को इस घर में दो शादियां होंगी। डबल सेलिब्रेशन। मतलब डबल मजा। थैंक यू। थैंक यू मुझे नहीं, पंक्ति को कहो। आहान आहान रंगोली के यहाँ गया। आई थिंक तुम्हें एक बार पंक्ति से बात करनी चाहिए। सॉरी, मैं हर्ट नहीं करना चाहता था। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? बस पूर्वा को खुश रखना, माफी मिल जाएगी। विक्रम के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, वो तो मैं विक्रम को हर्ट करना चाहती थी इसलिए, और तुम्हें हर्ट कर गई। आई एम वेरी सॉरी रचा। समझना कि मेरा और कायरा का रिश्ता नहीं हुआ तो जेएमडी और रिदम कभी एक साथ नहीं हो सकते, रिश्तेदारी ना सही लेकिन दोस्ती के खातिर आज के बाद जेएमडी को कभी भी जरूरत पड़ी तो रिदम हमेशा साथ खड़ा होगा। इसे कहते हैं वन बिग हैप्पी फैमिली। शुक्र है तू भी आ गया। चल जा जल्दी से जाकर लग्न के लिए तैयार हो जा, कल से शादी की बाकी रस्में भी शुरू करनी है। वाह, कल से? एक्चुअली कल दो दिनों के लिए हमें आउट ऑफ टाउन जाना है, एक रिकॉर्डिंग है, वीडियो भी बननी है, सारा सब कुछ डन है, ना नहीं कह सकते। लेकिन आहान, ये रस्में भी जरूरी हैं। पंक्ति, तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता मैं। अगर जाओगे नहीं तो स्टार कैसे बनोगे? तुम जाओ, तुम्हारे हिस्से की रस्में भी मैं कर दूंगी। आंटी सही कह रही है, दूल्हे का होना भी तो जरूरी है। कम से कम आज की रस्में पूरी करें। डोंट वरी आंटी, बाकी रस्मों के लिए भी मैं हान को टाइम पे ले आऊंगी। ठीक है, अच्छा चलो हल्दी की तैयारी शुरू करते हैं।